क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के पहले कार्टूनिस्ट कौन है और कौन सा था पहला कार्टून? नहीं ना, कोई भी यह बात नहीं जानता है। विगत 22 वर्षों से देश की एकमात्र कार्टून पत्रिका का संपादन और प्रकाशन कर रहे कार्टूनिस्ट पंडित त्र्यंबक शर्मा ने अपने शोध से यह बात उजागर की है। श्री शर्मा का कहना है कि भगवान शंकर ही विश्व के पहले कार्टूनिस्ट हैं और कोई नहीं। इसके पीछे अपना तर्क देते हुए वे कहते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र के धड़ पर हाथी का सिर लगाकर भगवान गणेश की रचना की। धड़ किसी और का, सिर किसी का, यह कार्टून में ही संभव। उन्होंने आगे बताया कि हाथी जैसे विशाल मुंह वाले व्यक्ति का वाहन यदि अदना सा चूहा हो तो यह कमाल भी कार्टून में ही संभव है, और यह कमाल भगवान शिव ने कर दिखाया है। वे आगे कहते हैं कि जो स्वयं पर हंस सकता है और दुनिया का जहर पी सकता है वह नीलकंठ अर्थात शिव ही है। शव और शिव में सिर्फ एक मात्रा का ही नहीं अपितु हास्य की मात्रा का फर्क है। भगवान शिव के पहले कार्टूनिस्ट होने की बात से यह बात भी निश्चित हो जाती है कि भगवान गणेश ही विश्व के प्रथम कार्टून हैं, अर्थात वे कार्टून देवता या कार्टून भगवान कहे जा सकते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि एकमात्र गणेश भगवान ही ऐसे भगवान हैं जिन्हें कार्टून की तरह किसी भी रूप में दिखाया जा सकता है, और इसका कोई बुरा भी नहीं मानता। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक आपने पूरे भारत में उनकी इतनी झांकियां देखी होंगी जिनमें उन्हें अनेक रूपों में दिखाया जाता है। जनता उनके इन रूपों को देखने जाती है और अपने जीवन की मंगल कामना करती है। पंडित त्र्यंबक शर्मा जी के अनुसार कार्टून बनाने का कार्य पढ़े लिखे लोगों, बौद्धिक लोगों और बुद्धिजीवियों के समकक्ष माना जाता है, अतः भगवान गणेश को ज्ञान का देवता भी कहा जाता है। कार्टून बड़ी से बड़ी बात को बहुत कम शब्दों में या कम समय में कह सकता है। यही कार्य भगवान गणेश ने तब किया था जब उनके पिता ने कार्तिकेय और गणेश को संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाकर आने को कहा था। कार्तिकेय पृथ्वी का चक्कर लगाने निकल पड़े, लेकिन भगवान गणेश ने अपने माता पिता का चक्कर लगाकर कहा कि उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगा लिया। इस तरह भगवान गणेश ने एक कार्टून की तरह अपना काम कम समय और कम ऊर्जा में पूरा किया। इसी कार्य के कारण उन्हें रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति हुई। जो अच्छा कार्टून बनाता है उसे जीवन काल में रिद्धि के रूप में अच्छी पत्नी और सिद्धि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। पंडित त्र्यंबक शर्मा आगे बताते हैं कि जिस तरह कार्टून बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों सहित सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रिय होता है, उसी तरह कार्टून भगवान गणेश सभी वर्गों में लोकप्रिय है। श्री शर्मा कहते हैं कि कार्टून भगवान गणेश की काया से भी कार्टूनिस्ट बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे बड़े कान होने का मतलब है कि बातों को ध्यान से सुनना, छोटी आंखें मतलब पैनी नजर रखना, बड़ा सिर मतलब ज्यादा ज्ञान रखना, छोटा मुंह मतलब बहुत कम बोलना। आपने देखा होगा कि अच्छा कार्टूनिस्ट बहुत कम बोलता है। पंडित त्र्यंबक शर्मा ने यह भी बताया कि इसे आप सुखद संयोग ही कह सकते हैं कि भारत की पहली कार्टून पत्रिका का नाम शंकर्स वीकली था और इसे कार्टूनिस्ट शंकर पिल्लई ने प्रारंभ किया था, अर्थात यहाँ भी शंकर। श्री शर्मा ने आगे बताया कि यह कितनी अच्छी बात है कि हर काम का प्रारंभ कार्टून भगवान के नाम से होता है, और कहा जाता है कि अमुक कार्य का श्री गणेश हो गया। कोई भी शादी का निमंत्रण पत्र इनके कार्टून नुमा चित्र के बिना नहीं होता है। जिस तरह कार्टून की रेखाएं अनंत है, उसी तरह कार्टून भगवान के रूप भी अनंत है। उन्हें किसी भी रूप में बनाया या दर्शाया जाता रहा है और बनाया जाता रहेगा। अंत में एक बात और, जिस तरह कार्टून को देखकर होठों में मुस्कुराहट आ जाती है, उसी तरह भगवान गणेश को देखकर भी लोग मुस्कुरा उठते हैं। तो है ना रोचक बात। अगली बार भगवान गणेश देखें तो आपको कार्टून जरूर याद आएगा। धन्यवाद।